गौरवाद गौरवात्म अद्भुत रूपम वृणदेव चक्षु प्रवर्तते न तद्भूत रूपत्ते वेति न चा। ये कहते हैं कि अन्य रूप द्वारा भी रूपवान में ही चक्षु की प्रवृत्ति होती है, इसमें गौरव है। इसलिए उद्भूत रूपम ग्रहणदेव चक्षु, उद्भूत रूप को ग्रहण करता हुआ ही चक्षु प्रवृत्त होता है। तद्भूत रूप इति न चा अस्तु तरी चाक्षुष्मेव ब्रह्म इति चेत् न। कहते हैं अस्तु तरी चाक्षुष्मेव ब्रह्म इति चेत्, तो फिर ऐसा इसलिए मान लो कि आकाश में चाक्षुषी है इति चेत् न। अरूपी जो व्यस्त है अरूप जो व्यस्त जो व्यक्तवान महत्व सदी उद्भूत रूप वस्त है वह पिता सत्य तंत्रत्वाद। इसलिए चाक्षुषी नभ मान लो तीन न अरूपी द्रव्य अरूपी द्रव्यत्वात् आकाश में अरूपी द्रव्य है महत्व सत्य उद्भूत रूपवत्तस्य व्यपचाक्ष सत्य तंत्रत्वात् महत्व भी हो और उद्भूत रूप भी हो ऐसे द्रव्य में चाक्षु सत्य होता है। तत्पश्चात रूपद्वारक चक्षुरर्पिता काशाकार मनोवृत्ति विषयत्ते नीलात्वाद रूप की भावा। इसलिए यहाँ पर रूप के द्वारा रूपद्वारक चक्षु से अर्पित जो आकाश के आकार मनो आकाशाकार मनोवृत्ति है तद विषत्ते नीलत्वादी आरोप इति भावा एवं तमोपि मानस मालोकम बिना तम भी मानस आलोक के बिना रूपी ग्रहे चक्षु असमाचार। और तम भी जो है मानस आलोक के बिना रूपी ग्रह में चक्षु असमाचार। मानस मालोकम बिना रूप ग्रह चक्षुषो असामर्थ्यात्। एवं तमोपि यहां तक हो जाएंगे एवं तमोपि एवं तमोपि तम भी जो है अनुरूप के द्वारा मानस प्रत्यक्ष हो जाता है। तो मानस मालोकम बिना रूपी ग्रह मानस आलोक के बिना रूपी ग्रह में चक्षु असमाचारी संक्षेपा। तथापि ज्ञात सामान्यात्मज्ञात विशेषांश ब्रह्मदृष्टान अचात्मनोत संभव इत्याशंक भेदे भी ज्ञाता ज्ञातत्व संभव उपपादयति। दूसरा संशय है कि जहाँ सामान्यांश ज्ञात हो और विशेषांश अज्ञात हो वहीं अज्ञात होता है
तो ज्ञात सामान्यांश और अज्ञात विशेषांश जिसका वो अधिष्ठान होता है। तो आत्मा में कोई अंश है नहीं, इसलिए एक ही में ज्ञात और अज्ञात दो नहीं बन सकता। तो निर्सन संभव इत्याशंक अभेदे भी ज्ञाता ज्ञातत्व संभव उपभाग्यति ज्ञाते पिता विदितो नित्य रूपे अभिज्ञानतः स्वर्णम स्वर्णम तदृष्टम दूरस्थयोर्न वनस्पति वत्सनोस्तत् वेदो न दृष्टि विषयो वगते न स्लते सतेन। तो कहते हैं ज्ञाते तावत तो निर्दिष्ट रूपे अज्ञानता स्वर्णम स्वर्णम से दृष्टम। कहते हैं ज्ञाते भी थे तावत ही तन्मात्र तदभिन्न इत्यर्थ ईदृशे वस्तुनि ज्ञाते भी अज्ञानवशात तस्य स्वर्णम अस्वर्णम च दृष्टम कुत्र दृष्टम दूरस्थयो हो दूरस्थे वनस्पति द्वय दो वनस्पति हैं दूरस्थ है एको यम वनस्पति इति ब्रह्मो भवति ये कई वृक्ष में दिखाई पड़ता है। तत्तथा अनवस्था भयात अन्योन्य भाव प्रतियोगी प्रमाणयो अनुरूपणाच भेदस्य वनस्य रूपानतिरिक्तात् तत्सूर्णे भी भेदात् पूर्णम दृष्टम इत्यर्थः। तो कहते हैं कि एक ये वनस्पति एक है ऐसा भ्रम देखा जाता है तो वहाँ पर अनवस्था का भय न हो जाए। तो अन्योन्या भाव प्रतियोगी प्रमाणयो हो मतलब भेद जो है अन्योन्या भाव का प्रतियोगी होता है। अन्योन्या भाव का प्रतियोगी तो ही भ्रम है। तो अन्योन्या भाव प्रतियोगी प्रमाणयो हो अनुरूपणाच वहाँ पर इसका अनुरूपण होने सकता दूर है सिर्फ भेदस्य वनस्पति रूपानतिरिक्तात् भेद जो है वो वनस्पति के रूप से अतिरिक्त नहीं है। तत्पूर्णे भेदा स्पूर्णम इसलिए वनस्पति के स्पूर्ण होने पर भी उसके भेद का स्पूर्ण नहीं होता। शब्दांतरा भी रप्यत्व भेदे भी स्वरूपेण अभेद अभिन्न में हो शब्दांतर से अभिलप्त जो भेद है स्वरूप से वो अभिन्न ही है। भेद रूप में वनस्पति रूपात भेद में वनस्पति का रूप ही है। इतश्च ज्ञातस्य अज्ञातत्वं न विरुद्धं तदुक्तं अर्थं न जानामि ये भी है तदुक्तं अर्थं न जानामि आपके द्वारा कहा गया जो विषय है उसको मैं नहीं जानता। तो ये तो जानते ही हो कि आपके द्वारा कुछ कहा गया है तो एक में ही सामान्य विशेष बन गया कि नहीं बन गया इत्यादि भाषमान ही हो तथा ज्ञान भाषमान में भी उनका ज्ञान का अनुभव है ज्ञान अवध अज्ञान।